नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं विकास शर्मा, आप देख रहे हो एग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल। मेरे किसान भाइयों, यह चैनल आप ही का चैनल है और जब भी आप मेरे चैनल को लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो मेरा मनोबल बढ़ता है। उसी मनोबल के कारण मैं आपके लिए कृषि संबंधी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आपसे निवेदन है मेरे किसान भाइयों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैविक कीटनाशक किस प्रकार तैयार करें। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये कीटनाशक आप सभी सब्जियों की जड़ों के अंदर दे सकते हो या स्प्रे भी कर सकते हो। चाहे वह सब्जी बैंगन की हो, तोरी की हो, भिंडी की हो, कोई भी फसल हो, किसी भी प्रकार की सब्जी की फसल हो या फिर कोई भी दलहन तिलह की फसल हो, किसी भी प्रकार की फसलों के अंदर आप सभी फसलों के अंदर आप इसका उपयोग में ले सकते हो। तो मेरे किसान भाइयों, ये जो आप देख रहे हो ये नीम के पत्ते हैं। लेना कुछ नहीं है आपको, नीम के पत्ते। और ये जंगलों के अंदर ये जो खीप पाई जाती है, ये खीप पाई जाती है, ये देख लीजिए। इसकी खीप आपको अपने खेतों के पास के अंदर आराम से मिल जाएगी, खेतों के पास में मिल जाएगी आराम से आप, और जंगलों में मिल जाएगी, पहाड़ों के अंदर ये आराम से आसानी से मिल जाती है। इसको खीप बोलते हैं। और ये आयुर्वेदिक औषधि भी है। इसको क्या है, जानवरों की दवाइयों के अंदर काम में लिया जाता है। तो मेरे किसान भाइयों, ये जो दवा का जो टॉनिक बताने जा रहा हूँ मैं आपको, ये हर आप कम से कम 10 दिन या 15 दिन के अंतराल सब्जियों की जड़ के अंदर दें, और हर 10 से 15 दिन का इस या फिर स्प्रे करना चाहो तो हर 10-15 दिन के अंदर इसका एक बार स्प्रे कर दें। लागत कुछ नहीं मेरे किसान भाइयों, ये बिल्कुल फ्री का है, टॉनिक है, फ्री की दवा है। और बात करें, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है, विटामिन्स बहुत ज़्यादा है और अन्य प्रकार के पोषक तत्व भी बहुत ज़्यादा है। और कीटाणुओं को तो ये पलक झपकते ही ये ख़त्म कर देगा बिल्कुल ही कुछ ही देर के अंदर। तो सब्जियों के अंदर आप इसको अवश्य दें, आपका खेती बाड़ी का खर्चा बचेगा आपका, और थोड़ी मेहनत ज़रूर है परंतु ये फ्री का टॉनिक है, फ्री की जैविक दवा है मेरे किसान भाइयों। चाहे नीचे जड़ों में आप दोगे इसको, इस दवा को, तो जड़ों में दोगे तब क्या है कि जड़ संबंधी जितने भी रोग है, निमाटोड संबंधी हो गया, दीमक हो गया, कोई कीटाणु हो गया, तो ये जड़ संबंधी तो पूरा कीटाणु को ख़त्म करेगी। अगर आप स्प्रे करोगे तो सफ़ेद मक्खी को भी ये ख़त्म करेगी, और लट होती है तो लट को भी ये घायल कर देगी। क्योंकि ये जो सामने ये जो खीप देख रहे हो, इस खीप के पानी में एक खासियत होती है कि अगर इसका पानी अगर अपने हाथ के लग जाता है तो बहुत भयंकर इसकी खुजली चलती है। तो ये खुजली और इसकी नीम का कड़ापन लट सह नहीं कर पाती है और वो आसानी से मर जाती है तड़प तड़प के, और अन्य कीट तो तुरंत मर जाएंगे। तो मेरे किसान भाइयों, आप इस टॉनिक को आराम से जड़ों के अंदर दोगे तो जड़ संबंधी बीमारियां खत्म हो जाएगी, और जो इसका न्यूट्रिएंट्स वगैरह विटामिन्स है ये पौधे को मिलेगा, तो पौधे के अंदर हरापन भी रहेगा, बिल्कुल हरापन रहेगा, और फ्लोर भी बहुत अच्छे आएंगे। और स्प्रे करोगे आप तो स्प्रे के अंदर सभी प्रकार के जो सूक्ष्म कीटाणु है पौधे के ऊपर वो भी खत्म हो जाएंगे, सफ़ेद तितलियाँ, सफ़ेद मक्खियाँ वगैरह, जितने भी प्रकार के हानिकारक तितलियाँ है वो सब भी खत्म हो जाएंगे। तो ये फ्री का टॉनिक है किसान भाइयों, किसान भाइयों को जहरीली कंपनियाँ, जहरीली दुकान वाले ये लूट के खा रहे हैं मेरे किसान भाइयों। आप अपने खेतों के अंदर जहर की मात्रा को कम करो, और ये अपने खेतों के आसपास के अंदर जो जड़ी बूटियाँ हैं उन जड़ी बूटियों को लेकर आप दवा बनाओ। अब हमने देखो किस प्रकार से दवाई बनाई है, ये आपको और बता देता हूँ। जैसे ये खीप है, हमने खीप के टुकड़े टुकड़े कर लिए, ये खीप के टुकड़े कर लिए हमने, ये देख लीजिए, बारीक बारीक टुकड़े कर लीजिए आप, 4-4, 5-5 इंच के, और ये टुकड़े करके आप भगोने के अंदर डाल दीजिए, गर्म भगोने के अंदर, देख लीजिए। ऐसी आप एक भट्टी बनाए, ऐसी मेरे किसान भाइयों आप भट्टी बना ले ईंटों की, और ये 100 लीटर का भगोना है, और 100 लीटर के इस 100 लीटर भगोने के अंदर आप नीम के पत्ते डाल दीजिए। ये 80 लीटर के पानी में पानी डाल दिया है, और आइडिया से आप कम से कम 5-7 किलो नीम के पत्ते और एक खीप डाल दीजिए। करीब हम नीम के पत्ते 3.5 किलो ये खीप,
तो करीबन ये 5-7 किलो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा हो जाए या कमती हो जाए इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं मेरे किसान भाइयों। जितना आप ज़्यादा नीम का पत्ते और खीप डालोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग ये जैविक कीटनाशक बनेगा। फिर ये भगोने की बात करते हैं, ये भगोना 100 लीटर का मैं 6,000 रुपये के लेके आया था, ये वन टाइम का खर्चा है। तो 6,000 के अंदर ये भगोना और इसका ढक्कन, जब आप इसके अंदर नीम के पत्ते और खीप डाल दो तो इसको आराम से भगोने को आप इस ढक्कन से बंद कर दो ताकि इसकी वापसी करण बाहर नहीं निकले और जल्दी से गर्म पानी हो जाए। और जब ये गर्म पानी हो जाएगा बिल्कुल, तो आपको क्या करना है कि इस प्रकार के ड्रम लेने हैं जो सामने ड्रम दिखाई दे रहे हैं, और इन ड्रमों के अंदर 100 लीटर, ये 200 लीटर का ड्रम है, तो 100 लीटर पानी ये नीम का खीप का जो गर्म करा है हमने वो इसमें डाल देंगे 100 लीटर, और ऊपर से 100 लीटर पानी और ऐड कर देंगे, सादा पानी, पीने लायक पानी, साफ पानी बिल्कुल, ये ऐड कर देंगे हम। और फिर इस पानी को चाहे आप स्प्रे कर लो और चाहे आप जड़ों के अंदर दे दो, रामबाण इलाज है मेरे किसान भाइयों। अपने देश के किसानों के पास ये मेरा संदेश पहुँचाए कि हो सके जितना जहर की मात्रा कम ले, हो सके जितना जहर की मात्रा कम ले, क्योंकि यह जहर अपने खेती की उर्वरता शक्ति को कमजोर कर रहा है। और जैविक कीटनाशक आप जरूर बनाएं, जैविक कीटनाशक फसलों के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम करता है मेरे किसान भाइयों। और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा आपको, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे किसान भाइयों आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बगल में बेल घंटी उसको भी आप जरूर दबाएं जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचें। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।